मैडम जी बुरा मत मानिएगा, लगता है कि सवाल आप पहले ही सोच लिए थे। मैंने मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खतरे में है, हमने कहा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आपने वो वीडियो देखा क्या, लाश के ऊपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ? आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई दोराई नहीं है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता। उसमें तो यही है कि देश को आज़ादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना, यही लोग लड़े थे। जो माफ़ी मांगे वो भीड़ हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा, कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं, जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है, और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे, समझ रहे हैं। अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए, मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा, हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया, नया बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग, प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं उनके लिए सोहर गाया जा रहा है, तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में? इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा, ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है। लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। थैंक यू न्यूज नेशन, आई विल कम टू यू। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका ऊपर को आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। साहब जो साथी पीछे खड़े हैं, थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज। अरे भैया प्लीज, दुबे जी आप पूछिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। Yeah, please, you cannot interrupt. No, no, you have to have discipline. My humble request with folded hands. There is no, but yes, I am not Prime Minister. I will take your question. No, but democracy means that you should not supersede somebody who is asking question. That's what democracy is. Dubey bhai, आपका सवाल है News Nation से है। अच्छा बारी जल्दी से पूछिए ना। नहीं, और लोगों ने किया, नाम बताएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है, अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा। हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं, बीसीसीआई थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, यह हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब यह तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा, जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी, कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, जब आप जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे इस देश के संविधान में। आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं सर भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्री बाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ पूछिए जरा, एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, आ लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है, तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस जैनेंद्र जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बड़ा जैनेंद्र भाई, बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं, इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास का को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है, इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पर लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब इसको आपको ऐसा महसूस हुआ, देखिए महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए
18 साल हो गए हैं और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है, भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा, उसका जो इनॉग्रल सेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसमें भाषण हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, यह उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? यह हमारा इतिहास है, यह हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है, इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मींस का, हैं, साध और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने, इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है, इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी यह है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बनकर के खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य।